अपना नाम बताओ। गर्जोत कौर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंगद सिंह है, मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ। भरतपुर से हो, यहाँ किसान आंदोलन में आए, उसके बारे में कुछ जानते हो? बहुत कुछ जानता हूँ। क्या जानते हो? देखिए, ये जो किसान आंदोलन है, ये 3 काले कानून है उनको रद्द करवाने के लिए है और MSP की गारंटी के लिए। आपको पता है आप भी इनके साथ आए हो? हाँ, हम और फिर हम दोनों ने इंटरव्यू की सोची तो हम इंटरव्यू देने। जैसा कि पहले पूछना चाहूँगी, यहाँ किसान आंदोलन चल रहा है तो यहाँ अभी कितना टाइम हो गया है? ये 7 महीने हो गए किसान आंदोलन। कब आए हो? देखिए, मैं 7 महीने से अपने पिताश्री के साथ यात्रा करी, 1,00,000 किलोमीटर हम चले। सुजानगढ़ में हमने BJP का विरोध करा था, काले झंडे दिखाए थे। ऐसा कोई बॉर्डर नहीं है जिस पे हम गए ना हों। हर बॉर्डर पे गए हो, तो क्या लगता है हर बॉर्डर पे जाके कि बिल वापस होंगे? देखिए, बिल तो वापस होंगे और MSP की गारंटी भी मिलेगी, भले ही समय लगेगा पर होगा। कितना समय लगेगा? जैसे राकेश जी कहते 2024 तक। देखिए, इसका कुछ कह नहीं सकते। अगर ये बिल वापस नहीं करेंगे तो गद्दी वापस करेंगे, या तो गद्दी वापस करो नहीं तो अभी कहा गद्दी वापस करेंगे। तो 2022 में चुनाव है, इसका फर्क पड़ेगा उस पे? क्यों नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। अगर इन्होंने फिर भी बिल और बिजली के कानून नहीं रद्द करे तो हम भी यहीं डटे रहेंगे। अगर उसने कर भी दिए, फिर हम एक पार्टी रखेंगे सब जो भी यहाँ पर किसान डटे हुए उनके लिए। लेकिन जो ये मोदी सरकार के दूसरे नकली किसान हैं, उन्हें भी हम जान के ही रहेंगे, ढूंढ के ही रहेंगे। MSP के बारे में क्या जानते हो? MSP के बारे में मैं ये जानता हूँ, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब हम एक बंदा 100 रुपये चोरी कर लेता है तो उस पर भी केस होता है। तो अब ये जो सरकार है, ये तो हमसे हर बोरी पर 300, 400, 500, 600 रुपये ले रही है, तो इस पर क्यों नहीं केस करा जा रहा? इसलिए ये MSP की गारंटी। मतलब तुम चाहते हो कि सरकार पे केस किया जाए? नहीं, मैं ये नहीं चाहता। मैं ये कहता हूँ कि MSP की गारंटी दे दो आप, MSP की गारंटी दे दो, सब खत्म ही हो जाएगा और काले कानून वापस कर दो। गाँव में गए, किसानों को पता नहीं था इसके बारे में, तो उनको बताया। तो फिर जिनको पता था उन्होंने कहा हम आपके साथ जरूर हैं, हम BJP को वोट नहीं देंगे, चाहे किसी को भी दे देंगे पर BJP को वोट नहीं देंगे। BJP तुम्हें अच्छी नहीं लगती या तुम्हारे घर वालों को अच्छी नहीं लगती? देखिए, पूरे किसानों को ही लगती। प्रधानमंत्री जी कैसे लगते हैं? प्रधानमंत्री और BJP पार्टी दोनों एक ही है, प्रधानमंत्री भी BJP में है, तो इसलिए हमें प्रधानमंत्री जी ने जो कानून बनाए हैं उनका हम विरोध करते हैं। BJP पार्टी का हम विरोध नहीं करेंगे, हम नरेंद्र मोदी जिन्होंने ये फैसला लिया है, जिन्होंने सहमति करी है, उनका हम विरोध करेंगे। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि हम BJP का विरोध नहीं करेंगे, जिन्होंने कानून बनाए उनका विरोध करेंगे, तो आपकी कोई ऐसी पार्टी है जो आपको पसंद हो? हमें कोई भी पार्टी है जो नहीं पसंद। जे जो कानून हैं 3, वो सब ने मिलजुल के ही बनाए हैं, इसलिए हमें कोई भी पार्टी बिल्कुल नहीं पसंद। आपके हिसाब से आप बेस्ट नेता कौन सा है, पॉलिटिशियन कौन सा है? हमारा नेता है जो वो किसान ही है। हमारे लिए जो बेस्ट नेता है वो कोई भी नहीं है, सिर्फ किसान के किसान ही है जो अन्नदाता है। राहुल गांधी होगा, अखिलेश यादव है, मायावती जी हैं, और भी कई नेता हैं, मनमोहन सिंह जी हैं। हमें गांधी जी पसंद है, योगी जी, गांधी जी। हम रैली में हर एक गांव में गए थे और हर एक बॉर्डर पे गए थे, कुंडली बॉर्डर गए थे, यहाँ भी आए हैं हम, टिकरी बॉर्डर हर जगह जाके आए हैं। क्या लगता है कि यूपी में कौन आ सकता है 2022 में? देखिए, यूपी में तो हम बता नहीं सकते, यूपी में बराबर का है, BJP भी बराबर की है, कांग्रेस भी बराबर की है, RLP भी बराबर के, सारे बराबर के हैं। डिपेंड हम पे करता है, किसानों पे करता है, राकेश चिकेत जी पे करता है कि वो कहाँ कहाँ जाते हैं, कैसे कैसे करते हैं, वो सारा क्या करते हैं। आपके हिसाब से बेस्ट नेता कौन सा है? मेरे हिसाब से बेस्ट नेता तो देखिए कोई नहीं है, वो ही नेता है, एक नेता था हमारा, भगत सिंह और गांधी जी। आज़ादी के बाद आज़ादी कर सकते हैं कि आपका ये बिल वापस कर लेगा? किसी पे भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये राजनीति है, इसमें सारे पहले वादा करते हैं फिर बाद में कोई कुछ भी नहीं करता, हम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। किसानों का यहाँ पे बैठना बेकार है तू? नहीं, हमें बिल वापसी करवानी है और इससे ही करवाएंगे। अगर ये नहीं करेंगे, जैसा टिकट जी ने कहा 2024 तक बैठेंगे,
2024 के बाद भी तो कोई आएगा? 2024 के बाद जो आएगा ना, मैं आपको समझाता हूँ, जो 2024 के बाद आएगा उसको अगली बार भी अपनी लानी है सरकार, तो वो अगर ये बात सही नहीं करेगा तो हम इसकी गद्दी तो ले ही लेंगे एक बार, और फिर जो आएगा ना फिर उसको तो अपनी अगली बार भी सरकार लानी है, तो उसको ये तो करना ही पड़ेगा। भारत में अभी ऐसा कोई भी पॉलिटिशियन नहीं बचा है जिस पे भरोसा किया जा सके। हाँ सही बात है आपकी, नहीं बचा, कोई नहीं बचा। तो कैसे फिर आप सोच रहे हैं अगली बार आप किसको वोट देंगे जो आपका कानून वापस कर दे? देखिए मेरा सोचना तो ये है कि किसानों को एक अपनी पार्टी बनानी चाहिए। अच्छा किसानों को? हाँ ये सारे जो पॉलिटिशियन हैं इनको संन्यास ले लेना चाहिए। हाँ इनको फिर हम बताएंगे, किसान बताएंगे लो हमें भी दम है, हमने ही पार्टी बनाई, अब किसानों की पार्टी का राज रहेगा, फिर तुम ऐसे ही रहो। टिकैत जी को मशवरा क्यों नहीं देते? जी टिकैत जी को भी मशवरा दीजिए कि पार्टी बनाए। देखिए उनको मैंने सुझाव दिया है, अब उनके हाथ में है वो क्या करते हैं।